पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। नमस्कारः। वार्तावल्याः पञ्चवर्षपूर्णतायाः पश्चात् नवीनमेकमङ्कमादाय भवतां समक्षम् उपस्थिताः वयम्। अहमियं सत्यप्रिया गुणगुणैर्युतदर्शकानां करोमि स्वागतम्। मया साकं विद्यतेऽद्य नीतीश भारद्वाजः। वार्तावल्याः गुणेश्वर्यमण्डितेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यस्तु ममापि वर्तताम् सादरमिदम् अभिनन्दनम्। पूर्णपञ्चाब्दीको भवद् अस्मदीयः कार्यक्रमः। वदतु नीतीश, पूर्णत्वं कस्मै न रोचेत इति? सत्यमिदम्। परं स्वभावोऽपि मानवस्य कथञ्चित् निरति साधारणभूतः दुर्बोध्यविषयः खलु। पश्यतु, पूर्णता प्रापणक्रमं वीक्ष्यैव अस्मासु भवन्ति नैके आत्ममुग्धाः अपि। आम्, एतदर्थमेव अस्ति उक्तं यत् विनातितृष्णां विनात्यात्ममुग्धतां च स्वसामर्थ्यपालनपूर्वकम् उपार्जितवित्तम् इवैव शनैः शनैः जीवनस्य लक्ष्यस्य वा पूर्णत्वं प्रति अग्रेसरणीयं सर्वैः इति। इममेव भावं सुविशद्य बोधयदस्ति अद्यतनं सुभाषितम् अस्माकम्। बहुत अधिक इच्छाएं नहीं की जानी चाहिए और ना ही इच्छाओं का पूर्णतः परित्याग ही उचित है। वस्तुतः स्वयं उपार्जित सामर्थ्य के अनुरूप इच्छा रूपी धन का धैर्य के साथ उपयोग ही श्रेयस्कर कहा गया है। Excessive desire must be avoided, nor should one give up desire completely. In a controlled manner, one should enjoy self-earned wealth. साधु, शनैः शनैः भोक्तव्यं वित्तं स्वयं उपार्जितम्। रुचिकरः प्रतिभाति वचनांशु मे। शनैः पन्थाः शनैः कन्था इत्येतद् वचन माहात्म्यमपि स्मरणे मे आयाति। सत्यम्। परं प्रवाहोऽपि सामयिकः परमावश्यकः इति निध्याय एव कल्पिताः सन्ति अस्मदीयाः प्रवाहिवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य तंत्रीय समुपवेशन माध्यमेन 50 सप्तशत मेगावाट परिमित क्षमता युतम् रीवा सौर शक्ति संयंत्रम देशाय समर्पयत्। गृह विनिर्माणस्य प्रोत्साहनार्थं मेक इन इंडिया इत्यादि भारतं निर्माण परं कार्यक्रमं सबलं प्रतिपादयता। प्रधानमंत्रिणा उक्तं यत् सौरोर्जा संग्राहक प्रभृति समस्तोपकरणानां कृते आयाते आश्रयतां समापयितुम् अधुना समयः समागतः। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् 21वीं शताब्द्यां ऊर्जा आवश्यकतानां माध्यमस्वरूपा सौरोर्जा भविष्यति। भारत चीन कूटनीतिक स्तरीय संवादात् पश्चात् उभयो देशयोर्मध्ये सीमागत संघर्षे न्यूनता जाता। लद्दाख क्षेत्रे गलवान सहितेभ्य नैक स्थानेभ्य चीनीय सेनायाः प्रतिनिवर्तनस्य उदन्तः प्राप्तः। उत्तर प्रदेशे शुक्रवासरे रात्रौ 10 आरभ्य सोमवासरे प्रातः 5 यावत् आगम निर्गमरोधः प्रवृत्तः। पश्चिम बंगाल प्रान्तस्य सर्वेषु नियन्त्रण क्षेत्रेषु 7 यावत्, बिहार प्रान्तस्य 10 जनपदेषु, असम प्रान्तस्य गोलाघाट नगरे जोहरहाट नगरे चापि पुनः आगम निर्गमरोधः प्रवृत्तः। उत्तर प्रदेशे 8 आरक्षिणां हत्यारोपी विकास दुबे कानपुर नगरे आरक्षिभिः प्रतिसंघर्षक्रमे व्यापादितः। असौ दुर्दान्तः अपराधे आरक्षिभिः उज्जैन नगरे निगडितः आसीत्। असौ आरक्षिनिग्रहणात् पलायितुं प्रयत्नम् अकरोत्। विश्वस्मिन् विश्वे कोविड 19 इति रोगेण प्रभावित जनानां संख्या द्रुतं वर्धमाना अस्ति। समस्त विश्वे 20,00,000+ जनाः कोरोना विषाणुना संक्रान्ता भूताः। अपरतः 5,50,000+ जनाः मृत्युं प्राप्ताः। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इति दलस्य त्रयो वरिष्ठाः अधिकारिणः संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन प्रतिबंधिताः। अत्र सत्तारूढ समितेः महत्वाधायकाः कार्यालयीय सदस्याः अपि सम्मिलिताः सन्ति। एतेषु अल्पसंख्याकानां विरोधे कथित मानवाधिकार हननस्य आरोपो वर्तते।
भारते चीनदेशीय अनुप्रयोग प्रतिबन्धात् परम् अनेक देशेष्वपि अयं प्रतिबन्धोपक्रमः प्रवर्तते। संयुक्तराज्यामेरिकीय विदेशमन्त्रिणा माइक पोम्पियो इत्यनेन टिकटॉक इत्याख्यः चीनीयानुप्रयोगः राष्ट्रिय सुरक्षायै संकटत्वेन उक्तः। ऑस्ट्रेलिया देशेऽपि अयं प्रतिबन्धः सत्वरं क्रियमाणोऽस्ति। नेपालदेशे अचिरादेव भारतस्य सहयोगेन एकस्य संस्कृतगुरुकुलीय नूतन भवनस्य उद्घाटनम् अभवत्। श्री सप्तमायी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय नाम अयं विद्यालयः नेपालस्य बडबोते ग्राम विकास प्रखण्डे स्थितो वर्तते। अस्मिन् विद्यालये वेदान् अन्य शास्त्राणि च अतिरिच्य आधुनिक विषयान् अपि छात्राः अधीयते। दर्शकाः अवलोकितमेव अस्माभिः वार्ता जगति अचिराद् यत् लद्दाखे चीन सैन्येन पुनरकारणं विहिता अवैध प्रवेशः इति। परं सत्यपि शान्ति सौहार्दमये भारते भारतीय सैन्यस्य दृढता शौर्ययोश्च समक्षं शत्रवः कदा संतिष्ठन्ते। भारतीय शूरवीराणां ईदृशमेव शौर्य प्रदर्शनम् अचिरादेव सर्वैः श्रुतं ज्ञातमेव च। वस्तुतः यदि शौर्यगाथानां विषये स्यात् चर्चारम्भः तदा कः विस्मर्तुं शक्नुयात् 260-29 शततमाब्दे रिजांग्ला युद्धे घटितं भारतीय सैन्य विहितं अद्भुत शौर्य प्रदर्शनम्। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शब्दाः इमे रिजांग्ला क्षेत्रे हुतात्मनां शूरवीराणां सन्ति स्मारयन्तः अप्रतिमाम् अमरगाथाम्। रिजांग्ला इत्येतत् स्थानमस्ति समवस्थितं चीनस्य सीमावर्ति क्षेत्रे लद्दाखे 18,000 फीट मिते समुच्चे। 260-29 शततमाब्दीकस्य नवेम्बर् मासिकस्य 18 दिनाङ्कस्तु वर्तते विश्वसैन्येतिहासस्य शौर्यगाथायाः अतुलनीयाध्यायरूपः। तस्मिन्नेव दिने मेजर् शैतानसिंहस्य नेतृत्वे अत्र प्रहरीभूताः आसन् भारतीय सेनायाः कुमाऊं 13 सैन्यसमूहस्य चार्ली समवाय सम्बद्धाः 20-100 संख्याकाः वीराः। परम् अकस्मादेव ते आसन् आक्रान्ताः 6,000 चीनदेशीयैः सैनिकैः। तदाक्रमणमभवत् उषःकाले प्रायः 4 वादने। शत्रुसैनिकानां शस्त्रबलसङ्कुलस्य च अपेक्षया अतीव न्यूनायामपि सत्यां भारतीयसेनायाम् आक्रान्तृवैदेशिकसैन्यदलं प्रतीकर्तुं स्वीया सज्जा सहजतयैव साधितासीत् तदापि अस्मदीयसैनिकैः। चीनस्य ते सैनिकाः न केवलं सङ्ख्याबले एव भारतीयसैन्यतः आसन् अधिकाधिकाः, अपि तु तेषां पार्श्वे आसन् तात्कालिकानि 900 अग्निरूपाणि उन्नतास्त्राण्यपि। तदपेक्षया परं भारतीयैः सैनिकैः प्रयुज्यन्ते स्म केवलं पुरातनानि गोलिकाप्रहरणयन्त्राणि। सत्यप्येवं विपरीते परिस्थितिप्रक्रमे भारतीयसैनिकानां पार्श्वे आसीत् मातृभूमिसंरक्षायै परमाहुतिं प्रदातुं सिद्धः, पराक्रमप्रदर्शनार्थं च विश्वे सुप्रसिद्धः स्वीयः अद्वितीयः अभिसङ्कल्पः। कुमाऊं सैन्यसमूहस्य यादवसामवायिकैः सैनिकैस्तु अस्थिशक्यस्थापकेऽपि तत्काले चीनीयाक्रमणमासीत् प्रायशः पूर्णतो विफलीकृतम्। शत्रुसैनिकाः बृहत्सङ्ख्यायां भूताः मारिताः। परं तदीयाधुनातनशतघ्निसङ्कुलसम्मुखम् अगणितसैन्यसङ्ख्यासमक्षं च हुतिमाप्तवन्तः नैके भारतीयाः अपि। यदा च तेषां शूरवीराणां पार्श्वे गोलिकाः अपि नाभवन् अवशिष्टाः तदा निरायुधाः इव भूत्वा कालकरालास्ते ते असङ्ख्यचीनदेशीयसैनिकान्
यमलोकं प्रति प्रेषितवन्तः। शौर्येण प्रबल संघर्षमाचरन् सैन्य समूहस्य नायकः मेजर शैतान सिंहोऽपि आप्तवान् अन्ततः प्रशस्तां वीरतायाः गतिं। भयंकरे युद्धेऽस्मिंस्तु विंशत्यधिकैकशत संख्याकेषु सैनिकेषु चतुर्दशाधिकैकशत संख्याकाः अभवन् पञ्चहोरावधिं यावत् प्रदर्शिते अतुल्य पराक्रम प्रदर्शनक्रमे त्रयोदश शताधिक शत्रु सैनिकान् हत्वा परं स्वयं हौतात्म्यं गताः। भारतीय सेनायाः एतदप्रतिम शौर्य समक्षं तु नतमस्तकम् अभवत् स्वयं शत्रु राष्ट्रं चीनमपि। तत्पक्षतः उक्तमिदं यत् तत् सेनया न दृष्टमासीत् एवम् अतुल्यं युद्धकौशलम्। रिजाङ्ग्ला क्षेत्रियं हि कुमाऊ त्रयोदश सैन्य समूहस्य शूरवीराणां हौतात्म्यं सम्मानयितुं राष्ट्रेण अभिनन्दितानि क्रमशः मेजर शैतान सिंह रूपं परमवीरचक्रं, वीराणि अष्टसंख्याकानि वीरचक्राणि, शूरस्मृतिपराणि अष्टादश सैन्य स्मृतिचिह्नानि च। अद्यापि प्रतिवर्षं नवेम्बर मासिकस्य अष्टादशे दिनाङ्के आमानयामः वयम् अद्भुत शौर्य स्मारकं रिजाङ्ग्ला दिवसम्। तेषां वीरभटानाम् अतुल्यं शौर्यं हौतात्म्यं च कार्तज्ञपूर्वकं समर्पयामः नमनाञ्जलिम। भारत माता की। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज। वंदे वंदे। दृष्टेयम् अद्वितीया शौर्यगाथा अस्माभिः या अद्य यावत् भारतीयं प्रतिनागरिकं प्रेरयति प्रोत्साहयति च। निश्चप्रचम् अस्माकं देशे शौर्यप्रदर्शनस्य निरवच्छिन्नास्ति परम्परा। इयमेव शौर्यपरम्परा सम्पूर्णेऽपि विश्वे प्रसृता। एकस्मिन् क्षेत्रे तु अस्माकं वीरसैनिकाः सीमक्षेत्रेषु शौर्यस्य दीपं प्रज्वालयन्ति, तत्रैव देशाभ्यन्तरे अस्माकं साहित्यकाराः, लेखकाः, कलाकाराश्च स्वीयसाधनया संस्कृतिसमुन्नयनमपि सदा कुर्वन्त्येव। इमामेव परम्परां प्रवर्धयत्सु एकतमस्य सुप्रसिद्धस्य उर्दू साहित्यकारस्य शम्सुर्रहमान फारूकी वर्यस्य प्रेरकं वचः शृणुमः वयं पूर्वत्र प्रसारितमेव साक्षात्कारक्रमं पुनर्वीक्ष्य। डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी महोदय सांप्रतिके उर्दू साहित्याकाशे देदीप्यमान शिरोमणित्वेन विराजते तराम्। प्रायः पञ्चाशत् वर्षेभ्यः प्रवर्तमानायां स्वीय साहित्य यात्रायां तेन समालोचना, काव्य उपन्यासादि निखिल साहित्यिक विधासु नैकानि पुस्तकानि विरचितानि। फारूकी वर्यस्य विविध पुस्तकानि आंग्लभाषा समेतं नैकासु भाषासु अनूदितानि सन्ति। साहित्य क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानार्थं फारूकी वर्य सरस्वती सम्मानेन, पद्मश्री अलंकरणेन च गौरवान्वितोऽस्ति। डॉक्टर फारूकी नमस्कार। वार्तावली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर फारूकी, जैसा कि हमारा कार्यक्रम वार्तावली संस्कृत पर आधारित कार्यक्रम है, अतः मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उर्दू भाषा पर अन्य भारतीय भाषाओं का कितना प्रभाव रहा है, खासकर संस्कृत भाषा का। अब देखिए, संस्कृत का मामला ये था, अभी आपसे मैं अर्ज कर रहा था कि कम से कम 100 में 60 यानी 60% लफ्ज़ जो उर्दू में हैं, जो बोलचाल में इस्तेमाल में आते हैं, शायरी में इस्तेमाल में आते हैं, वो सब संस्कृत से लिए गए। साहित्यिक उर्दू में भी? साहित्यिक उर्दू में भी बिल्कुल। साहित्यिक उर्दू क्या खाना पीने वगैरह काम चल सकता है? उसको उर्दू में खाए पिएगी खाना पीना दोनों संस्कृत हैं। तो ऐसे और भी जितने लफ्ज़ हैं, देखिए जो लफ्ज़ की किसी फलसफियाना दार्शनिक ख्याल के हैं, वो दो तरह के हमारे हैं। अरबी के कुछ बहुत सारे हैं, क्योंकि मुसलमानों पर अरबी ज़बान का बहुत प्रभाव है, क्योंकि कुरान की वजह से, कुरान अरबी में है जैसे। और फिर उसके बाद संस्कृत के अल्फाज हैं। तो अब तो इसलिए इससे तो कभी हम इनकार कर सकते ही नहीं हैं कि संस्कृत को हम अपनी दादी परदादी जो कहिए वो हम मानते हैं, और संस्कृत के बगैर हम ना होते। नहीं, आपको सुन के तअज्जुब होगा कि जो कुछ लोगों ने एक थियोरी बनाई थी कि साहब 18th century आते आते हिंदू मुसलमान ने रास्ते अलग अलग अपने कर लिए, और संस्कृत और जो देसी जो भाषाएं के हैं उनको, उनसे अपने को दूर कर लिया, और हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए,
हालत ये है कि जितने बड़े से बड़े फारसी के लिखने वाले और डिक्शनरी बनाने वाले आलोचक 18 सेंचुरी में हिंदू हुए हैं, उतने मुसलमान भी नहीं हुए हैं। अब यानी हमें ताज्जुब होता है कि बात से बात निकलती है, लाला टेकचंद बाहर 1740-39 में, उसके कुछ पहले उन्होंने प्रिंट शुरू की अपनी डिक्शनरी, 7 बार लिखा उसको, 7 वर्षन बनाए। नादिर शाह का हमला है और सिपाही तमाम शहर में घूमते फिर रहे हैं और हमारे टेकचंद बाहर साहब गली के नुक्कड़ पर खड़े हैं, सिपाही घरों के पूछते हैं आगा आगा तुम्हारे यहाँ इस लफ्ज़ को कैसे बोलते हैं। तो इतनी मोहब्बत है ज़बान से, इतना सीखना चाहते। तो हम लोगों में हमेशा, अच्छा सबसे पहले जो बड़े शायर फारसी में, फारसी के हुए हिंदुओं में, वो थे लवकरण साहब, राजा लवकरण सिंह, उनको मिर्जा राजा कहा जाता था क्योंकि वो इतना दोनों ज़बानों से उनको इतनी मोहब्बत थी। तो प्रभाव तो गया, हम तो हमारे खून में दौड़ी हुई है। मतलब देखिए, सबसे पहले जो बड़ा शायर उर्दू में हुआ है वो दक्कन में हुआ था, 1450 के करीब की बात है। उन्होंने एक लाइन लिखी है अपनी पोएम में, वो कहते हैं कि जब तक ये लफ्ज़ का दो माने ना हो मज़ा ही नहीं आता है। अभी कहाँ से आया है ये? अरबी में तो है नहीं, फारसी में है नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ संस्कृत का प्रभाव है जो उन्होंने ये बात कही कि हम तो ऐसी लफ्ज़ लिखते ही नहीं जिसमें दो माने ना हो, उसके बगैर मज़ा नहीं आता है। संस्कृत में श्लेष का तो आइडिया है ही, फिर ये आचार्य मम्मट जी ने कितनी देर तक समझाया है कि एक लफ्ज़ कितनी तरह से हम बोल सकते हैं, कितनी तरह से उसके माने निकल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उसको माने कुछ और होंगे, आप कह रही हैं कुछ और माने होंगे, सुनने वाला कुछ और माने निकालेगा। 8 तरीके तो बताए हैं आचार्य मम्मट ने, हम लोगों सब सीखे। खुसरो साहब ने भी संस्कृत में, उनको बहुत जानकारी थी, उन्होंने लिखा है कि साहब ये तो कहा जाता है कि एक लफ्ज़ के 2-3 माने हों, मैंने एक शेर लिखा जिसमें 7 माने निकलते और शेर उन्होंने नकल भी किया किताब में उनकी है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो बिल्कुल किसी भी दुनिया की किसी भी पोएटिक्स में नहीं, संस्कृत में है और वहाँ से उर्दू वालों ने ली है कि पोएम क्या कहती है और पोएम किस चीज़ के बारे में है। अगर हमने कमल का फूल लिखा, भौंरा लिखा और नदी लिखी तो ये तो उसके बारे में हो गई, लेकिन पोएम कहती क्या है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये फ़र्क कभी अरबी में नहीं किया गया, अंग्रेज़ी में नहीं किया गया, कहीं नहीं किया गया, दोनों और क्या है। अब जैसे इतनी अच्छी मिसाल दी है तो क्या वो ध्वनि में और मीनिंग में वही रिश्ता है जो कि बर्तन में और बावर्ची खाने में है। बिल्कुल, जब रोशनी पड़ती है तो बर्तन नज़र आते हैं, ना हो तो बर्तन नज़र ना आए। तो ये जो ध्वनि है ये इसलिए ये सब कुछ हम लोगों ने हासिल किया। इससे बड़ा तो हमने समझते हैं कि ज़बान ने हमको संस्कृत ने जो कुछ दिया वो तो दिया ही, जो बहुत सारे शब्द दिए, देवमाला दी, कल्चर और लिटरेरी कल्चर, ये चीज़ें ऐसी हैं जो धर्म वर्म नहीं जानती हैं। बिल्कुल, वो ये देखती हैं क्या चल रहा है आजकल। तो जो लिटरेरी कल्चर में चल रहा होता है उसको ले आता है आदमी। यहाँ ये हुआ कि जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया, उर्दू वालों ने, आज से 700 बरस पहले, जब यहाँ पहले गुजरात में लिखना शुरू, दिगर लोग ये भी नहीं जानते कि उर्दू सबसे पहले, उर्दू की बड़ी शायरी गुजरात में हुई है और दिल्ली में तो बहुत बाद में आई है। दिल्ली वाले तो बड़े नक चढ़े थे, वो कहते हम फारसी लिखेंगे, हम उर्दू का जाने। तो फिर यहाँ से दक्कन में गई, दक्कन से फिर घूम फिर के अपने घर वापस आई, बड़ी इस कदर इसकी हुई वगैरह वगैरह। तो ये जो है कि हमने इसको बनाया यहीं पर, अपने आप से बनाया, अपने लोगों को देख के बनाया। हिंदी नाम बहुत पुराना है और माफ़ कीजिएगा, आपके हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि चाहे लोग बुरा माने या भला माने, मैं लिखा भी हिंदी नाम तो उर्दू ज़बान का नाम था, हिंदी, हिंदवी, रेख्ता, ये सब नाम थे। आप इलाहाबाद से आते हैं जी, और इलाहाबाद जो है गंगा जमुनी संस्कृति का केंद्र माना जाता है, तो आपके जीवन पर उसका कितना प्रभाव रहा है, भारतीय प्राचीन संस्कृति या संस्कृत का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो अगर प्राचीन की बात आप कहते हैं तो रामायण की कहानियाँ वैसे ही पढ़ते थे हम लोग जैसे कि हम लोग शाहनामे ये कहानियाँ पढ़ते थे, वैसे ही आपके जनाब क्या कहते हैं कि तुलसीदास का नाम हम जानते थे, चाहे हमको उनकी ज़बान नहीं आती क्योंकि तो पुरानी अवधि है, हम तो खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन ये है कि हम जानते थे कि हाँ वो क्या करते हैं ये मालूम है। अगर हमारे इलाहाबाद के पास तो वो जगह है जहाँ उन्होंने नदी पार की थी रामचंद्र जी ने, तो हम वहाँ हम गए भी हैं और दोस्तों को भी ले गए हैं, तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ कुछ वहीं से हमें कुछ प्रेरणा मिल जाएगी। तो महाभारत और रामायण की कहानियाँ तो हम लोग, और श्री कृष्ण जी की बात है तो आपको सुनकर तजुर्ब होगा कि उर्दू ज़बान में कम से कम 47 तर्जुमे संस्कृत से बराह रास्त गीता जी के हुए,
कुछ प्रोज में कुछ पोएम अब भी हुए हैं जी। अभी एक पाकिस्तान है साहब से मर गए, दिल्ली के रहने वाले थे, वो संस्कृत जानते थे, अरबी जानते थे, इंग्लिश जानते थे, बड़े भारी आदमी थे, बड़े ज्ञानी आदमी। तो वो उन्होंने वहाँ जा कर के एक अपनी नया एक अनुवाद लिखा गीता का। तो अब रहेगी बात जो लोकल चीज़ें, आज जैसे आला उदल है जी। हमारे घर में जैसे बहुत से पुराने ज़माने के लोग लड़कियाँ औरतें बूढ़ी औरतें कहानियाँ सुनाती थी बच्चों को, उसमें आला उदल की कहानी भी थी जी। हम सुनते भी थे और आला का जो खंड है उसका जो गाने वाले गाते थे हम उसको भी सुन लिया करते थे। बाज़ारों में हमारे किस्सा कहानी कहने वाले अब तो ख़त्म ही हो गया भैया, आप तो तुम्हारा वीडियो आ गया है और टेलीविज़न है और फलां है और क्या जाने क्या क्या है, माफ़ करना। हमारे ज़माने में तो ये था कि भाई एक बड़े मियाँ खड़े हो गए, उन्होंने बाज़ार में उन्होंने बाज़ार लगाने सामान फैलाया, कहानी शुरू कर दी। अब कभी वो रामचंद्र जी कहानी सुना रहे हैं, कभी वो कोई और चीज़ घुरा के ला रहे हैं, कभी कोई पद्मावत की कहानी सुना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा कहानी जब हो गई, जब उसके क्लाइमैक्स आ गया तो रोक दिया, अच्छा साहबान अब यह मेरा सामान, ये भजन आप मेरा लीजिए। तो इस तरह हमने बहुत कुछ सीखा। अच्छा हिंदी हम लोग पढ़ते थे उस वक्त, ये यूपी में ये रूल था कि जिसकी प्रथम भाषा उर्दू है वो हिंदी भी पढ़ेगा एज अ सेकेंड लैंग्वेज, और जिसकी प्रथम भाषा हिंदी है वो उर्दू पढ़ेगा। तो पढ़ी, हमारे सब लोगों ने पढ़ी, हमने हिंदी पढ़ी, टूटी फूटी जो पढ़ी पढ़ी, फिर हमारे दोस्तों ने जो हिंदू दोस्त थे उर्दू पढ़ी। तो हम लोगों में कभी कोई ज़बान का, रस्म रवाज का, बोली का फ़र्क ही नहीं था। डॉक्टर साहब, अगर आपसे चर्चा हो रही और आपके आज के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कई चांद आसमान जी, सबसे सरप्राइज़ के तो आप मुझे ये या तो मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं तो मैं जल्दी मैं खुश हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहती हूँ। कहिए, देखिए उसको ये मेरी खुशकिस्मती है। आपको जो नहीं जानता है वो ये जानता है कि उस उपन्यास के लेखक आप हैं। बहुत अच्छी, बहुत मेहरबानी आपकी जी। तो सच्ची बात यह कि अगर मुझको ये विश्वास न होता कि एक इंडो मुस्लिम कल्चर, गंगा जमनी तहजीब कुछ होती है और उनके जो प्रोटोकॉल्स लव और वार के हैं वो सब एक तरह के हैं, यह नहीं है कि मुसलमान का तरीका प्यार करने का अलग है और हिंदू का तरीका अलग है, या उसके सोचने का तरीका अलग है, दीवाने हाफिज उसके लिए हिंदू के लिए कुछ नहीं माने रखता, मुसलमान के लिए बहुत माने रखता है, कुरान हमारे लिए रहता है उनके लिए नहीं है, उनके लिए वेद वगैरह होंगे तो होंगे हमारे लिए नहीं, ये उस ज़माने में कभी था ही नहीं। मैंने ये भी लिखा, आपको सुन के तअज्जुब होगा कि गालिब जो बहुत बड़े फारसी से बहुत ही डूबे हुए फारसी के रंग में हैं और फारसी के बड़े शायर भी थे, मैंने लिखा है कि अगर वे उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर हिंदू फिलॉसफी और वेदांत के बारे में पढ़ा जाना होगा, क्योंकि उनकी शायरी में इतने आइडियाज़ मिलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उन चीज़ों के जाने बगैर उन्होंने अपने हाथ से हाँक दिया होगा। इस नावल को लिखने में सिर्फ दो चीज़ें थी मेरे पास जी। एक तो ये कि ये जो गंगा जमनी इंडो मुस्लिम कल्चर है जो हम में और सारे हिंदुस्तानियों में, कम से कम जो जिसको आजकल के ज़माने में काबू बेल्ट कहा जाता है, तो वो हिंदी हार्ड लैंड कहा जाता है। तो एक तो ये कि भाई ये लोग एक लोग थे, इनके लड़ाई झगड़े का, इनके प्रेम का, इनके रहने सहने का, इनके विश्वास का, इनके वर्ल्ड व्यू का एक तरह का वर्ल्ड व्यू था जी। और दूसरी बात मुझे ये कहना था कि वो जो एक बड़ी मजबूत और बड़ी, जिसे कहना चाहिए कि उर्दू में हम कहते हैं कि तवंगर, अंग्रेजी में कहते हैं रिच जी, वो तहजीब थी जी। डॉक्टर फारूकी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आदाब। वार्तावल्याः संगीत ज्योतिस्तु प्रज्वालयति पाक्षिकः गीतानुवाद स्पर्धापि। ज्योतिष संस्मार्य संकेतयति किम् अस्मद् गीतानुवाद स्पर्धा परिणामं नितीश। सम्यक् अवगतम्। तर्हि अनुक्षणमेव प्रेक्षकान् प्रदर्शयामः यत् कोऽस्ति एतत् पाक्षिकः स्पर्धा विजेता इति। सत्यं, विजयश्रीः गच्छति पुनरपि भुवनेश्वरस्थं डॉक्टर हरे कृष्ण मेहरं प्रति। महोदय, अभिनंदनानि। लता मंगेशकर स्वर भूषितं सुंदरं गीतमिदं संस्कृत स्वरेण शोभयति पुनरपि मधुरस्वरा पुणेस्था यशश्रीः। ज्योतिष ज्योतिर्विकीर्य चले हे, ज्योतिष ज्योतिर्विकीर्य चले हे, प्रेमणो गंगां प्रवाह चले हे, प्रेमणो गंगां प्रवाह चले हे, मार्गागता दीन दुखिनो ये,
रक्षक ईशस्त दीयः यो धनहीनः यो बलहीनः स प्रभुरस्ति स्वप्रियः प्रेम्णो मुक्ता शोभनम् आयान्तु अधुना प्रेक्षकान् इदमपि सूचयामः यत् किमद्य स्यात् नूतनं स्पर्धागीतम् इति गीतस्यास्य अनुवाद प्रेषणाय अवधिः वर्तते अस्य मासस्य विंशं दिनाङ्कं यावत् गीतानुवाद स्पर्धायाः परिणामस्तु उद्घोषयिष्यते पट्टिका प्रदर्शिते एतस्मिन् दिनाङ्के एव अनेनैव सह समापयामः वयं वार्तावल्याः एतदङ्कक्रमम् अधुना अस्मिन् कोरोनापत्कालेपि वयं सर्वदा आशास्महे यत् भवन्तः सर्वे सन्तु स्वस्थाः सर्वत्रैव प्रसन्नचित्ताश्चापि पुनरपि प्रसन्नताकारकम् अङ्कान्तरम् आनीय आयास्यामो वयम् सम्प्रति आज्ञापयन्तु भवन्तोऽस्मान् भूयो भूयोऽस्तु तावद् नमः सर्वेभ्यः व्याप्तं वै चतुः आश्वितमिश्रं दिशाश्च गता विभ्रान्तिं मानवो दानवो भूत्वासीनः